Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. शिव जी को बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है, उन्हें अजन्मा भी कहा गया है, यानी उनका कोई आरंभ नहीं है और ना ही अंत है, न उनका जन्म हुआ है न वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं। शिव जी को महाकाल के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए उन्हें कालों का काल भी कहते हैं। महादेव मनुष्य के शरीर में प्राण के प्रतीक माने जाते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर प्राण नहीं होते हैं तो उसे सौ का नाम दिया गया है। भगवान भोलेनाथ का त्रिदेवों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। शिव को मृत्यु लोक का देवता भी माना गया है। ये बात तो आपको पता ही होगी कि भगवान शिव तीन नेत्रों वाले हैं, इसलिए त्रिदेव कहा गया है। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता माने गए हैं और विष्णु जी को पालनहार माना गया है। वहीं भगवान शंकर संहारक हैं, ये केवल लोगों का संहार करते हैं। भगवान भोलेनाथ संहार के अधिपति होने के बावजूद भी सृजन का प्रतीक हैं। इसके अलावा पंच तत्वों में शिव को वायु का देवता भी माना गया है। वायु जब तक शरीर में चलती है तब तक शरीर में प्राण बने रहते हैं, लेकिन जब वायु क्रोधित होती है तो प्रलयकारी बन जाती है। वायु है तभी तक शरीर में प्राण होते हैं। शिव अगर वायु के प्रवाह को रोक दें तो फिर से वो किसी का भी प्राण ले सकते हैं। वायु के बिना किसी भी शरीर में प्राणों का संचार संभव नहीं होता है। भगवान शिव को कई नामों से पुकारा जाता है, वो महाकाल भी कहे जाते हैं और कालों के काल भी। शिव के सृजन का अधिपति और मृत्यु का देवता भी माना जाता है। आखिर क्यों शिव का सृजन और विनाश दोनों का भगवान कहा जाता है? शिव शरीर में प्राण के प्रतीक माने गए हैं, इसलिए पंचदेवों ने उनका स्थान सबसे महत्वपूर्ण रखा है। बिना प्राण के शरीर को शव कहा जाता है और प्राण ही उसे जीवित यानी कि शिव बनाता है। शिव प्रकृति के देवता हैं, उनके पूजन और श्रृंगार में उपयोग होने वाली सारी सामग्रियां भी पूर्ण स्वरूप से प्रकृति का हिस्सा होती हैं। बता दें कि भगवान शिव मृत्यु के देवता हैं और त्रिदेव में उन्हें संहारक माना जाता है। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता, विष्णु संचालक और शिव संहारक हैं, लेकिन शिव संहार के अधिपति होने के बावजूद भी सृजन के प्रतीक माने जाते हैं। वो सृजन का संदेश देते हैं। हर संहार के बाद सृजन शुरू होता है। पंच तत्वों में शिव को वायु का अधिपति भी माना गया है, जबकि वायु जब तक शरीर में चलती है, प्रेम से चलती है, तब तक शरीर में भी प्राण बने रहते हैं, ये हमारा सृजन करती है। लेकिन जब वायु क्रोधित होती है तो विनाश का प्रतीक मानी जाती है। जब तक वायु है तभी तक शरीर में प्राण बने रहते हैं। शिव अगर वायु के प्रवाह को रोक दे तो फिर से वो किसी का भी प्राण ले सकते हैं। वायु के बिना किसी भी शरीर में प्राणों का संचार संभव है। तो दोस्तों, आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी कई सारी ऐसी जानकारियों को जानने के लिए आप हमारे चैनल अमेजिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर करें। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.